अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये बड़ा ज़बरदस्त इंट्रोडक्शन हुआ है मेरा कराची में। और अपनी गाड़ी प्लीज़ जिसकी भी है वो उठा ले, मुझे टेंशन होने लग गई है, मैं क्या बोलूँ यहाँ पे। तो खैर गाइस, अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रामेश, आई एम अ म्यूजिशियन, आई राइट म्यूज़िक, आई मेक म्यूज़िक, आई थिंक थोड़ा न्यू है सबके लिए सुनना। टॉपिक जो हमारा है लिबरेटिंग माइंडसेट्स, मैंने नोटिस किया आज के इसके लिए हमें कुछ सोचने की या अपनी कोई जर्नी रिपीट करने की या कुछ रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं होती, हमारी डेली लाइफ में चल रहा होता है। गैस जैसे आज मैंने फेस किया, लाहौर से मैं आया हूँ सुबह, सबसे पहले तो 11 बजे फ़्लाइट थी, डिले हुई, 2 बजे हो गई, कैंसिल हो गई। एयरलाइन आप लोग गेस कर सकते हैं कौन सी थी? बिल्कुल माशाल्लाह, आबाद रखे हमारी नेशनल कैरियर को। उसके बाद किसी तरह से यहाँ पे पहुँचा मैं, और मैं कैसे पहुंचा वो मैं जानता हूं, क्योंकि एक तो मैं बहुत ओवर थिंकर हूँ, आई एम श्योर काफ़ी लोग होंगे, हर छोटी छोटी चीज़ पर डरने लग जाते हैं, थॉट्स आने लग जाते हैं कि कुछ गलत होने वाला है, और मुझे फ्लाइंग फोबिया भी है बहुत बुरा किस्म का। तो ये आई थिंक मेरा पहला टेस्ट था कि माइंडसेट्स को अपने लिबरेट करके, अपने थॉट्स के जो नेगेटिविटी या थॉट्स के जो भी शैकल्स होते हैं उससे निकल के आप किस तरह से कुछ चैलेंजिंग कर सकते हैं या किस तरह से कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे आना ही सबसे पहला एक चैलेंज था जो मैंने एक्सेप्ट किया, और मैं आया क्योंकि आई न्यू के ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती। आज मैं यहाँ पर हूँ, आज बुला लिया, कल शायद मौका इस तरह का ना मिले, एक तो ये, और दूसरा ये कि आई वॉन्टेड टू डिलीवर दिस मैसेज। मैं तो एक दोस्त, दो दोस्त, तीन दोस्तों को बिठा के घंटों स्पीचेस देता रहता हूँ, आज तो मुझे मौका मिला है तो आज मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को भी। तो यही बात है कि मैं कोई एग्जांपल्स एलॉन मस्क की, या मुझे आज पूछ रहे थे मेरे से आप किसके बारे में बात करने वाले, मैंने कहा मैं मेरे बारे में बात करने वाला हूँ क्योंकि आई थिंक मैं ही आप सब जैसा एक आम इंसान हूँ जिससे आप रिलेट कर सकते हैं। बाकी बिल गेट्स की एग्जांपल, एलॉन मस्क की एग्जांपल्स, वो आई डोंट थिंक कि उससे हम उस तरह से रिलेट कर सकते हैं या उस तरह से हम उस चीज़ से एक यू नो हमारा कनेक्शन बन सकता है। तो मेरी ज़िंदगी में ऐसी बहुत चीज़ें हुई हैं जो आई थिंक काफ़ी इंस्पायरिंग होंगी और काफ़ी सबके लिए एक आई एम श्योर एक लेसन लेके सब उठेंगे कोई ना कोई पॉजिटिविटी का खास तौर पे। उसके अलावा लिबरेटिंग माइंडसेट की जहाँ से बात होती है, आई थिंक इससे मैनिफेस्टेशन का भी काफ़ी ज़्यादा काफ़ी हद तक ताल्लुक होता है, जो कि मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया। बड़ा मज़े कहते हैं ना, फिल्मी स्टोरी होती है, फुल बॉलीवुड टाइप, लेकिन ये रियल में हुई है। आई एम श्योर जितने भी स्टीम स्पीकर्स यहाँ पे बैठे हैं सबके लिए ये बहुत ऑनर की बात होगी टू बी हेयर, टू यू नो होल्ड द माइक एंड स्टैंड हेयर ऑन दिस ग्रेट प्लेटफॉर्म। 3 साल पहले की बात है, आई थिंक 4 साल पहले की बात है, टेडएक्स आज़ादी का इवेंट था इन उकाड़ा, और वहाँ पे मेरा बहुत अच्छा दोस्त एक आसिम अज़र, आप लोग जानते होंगे, उसकी स्पीच थी, और ही इनवाइटेड मी, ही आस्क्ड मी टू टैग अलॉन्ग, और मैं उसके साथ गया क्योंकि मैंने वो एक्सपीरियंस करना था। और यकीन करें, क्राउड में बैठ के भी जो मैंने वहाँ सबकी बातें सुनी, वहाँ पे इतने लोगों के एक्सपीरियंसेस सुने, इतनी इंस्पिरेशन ली, मेरे लिए वही बहुत मैजिकल और एक बहुत मेसमराइजिंग सा एक्सपीरियंस था। और आज यहाँ पे खड़े होके समझ आ रही है कि भाई सीन है स्टेज का। तो सबसे पहले तो स्टेज के लिए ज़ोरदार ज़रा तालियाँ होनी चाहिए, और आई एम श्योर अगर मैं ये ड्रीम अपना लिव कर सकता हूँ आप लोग भी कर सकते हैं इंशाल्लाह, होपफुली। उसके अलावा खैर, लिबरेटिंग माइंडसेट की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले मेरी जो ज़िंदगी है ना, अगर मेरी ज़िंदगी पे कोई डॉक्यूमेंट्री बनती है या कोई बायोपिक बनती है ना, तो उसका नाम ही लिबरेटिंग माइंडसेट्स होगा, क्योंकि मुझे लगता है जब से मैंने होश संभाला है तब से मैंने माइंडसेट्स को लिबरेट किया है। क्योंकि फॉर समवन लाइक मी जो म्यूज़िक कर रहा है और जो 10-12 साल से म्यूज़िक कर रहा है, बच्चा था, बात भी सही तरह से करनी शुरू की थी, तब से ये शौक शायरी का, म्यूज़िक का शुरू हो गया था। एंड आई स्पेंड माई एंटायर लाइफ इन सऊदी अरेबिया, तो आपको पता है वहाँ पे आप, अब तो माशाल्लाह पार्टी वार्टी वाला सीन हो गया है, लेकिन उस टाइम पे बहुत स्ट्रिक्टनेस थी, और वहाँ पे म्यूज़िक करना एक बहुत एलियन कॉन्सेप्ट था कि आप म्यूज़िक बना रहे हैं या कर रहे हैं। और कभी कभी मैं अपने चॉइसेस को, अपने करियर को डाउट करता था कि यू नो शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, जबकि मेरा म्यूज़िक इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन एल्कोहल, मैं ड्रग्स के बारे में बात नहीं कर रहा था, मैं कुछ सोसाइटी को गलत मैसेज नहीं दे रहा था। ऑल आई यूज़ टू डू वॉज मैं मोटिवेशनल चीज़ें लिखता था, मैं जो अपनी लाइफ में मेरे साथ असल में चीज़ें हो रही हैं मैं वो लिखता था, और मेरा वाकई कोई गलत चीज़ों से, ड्रग से वैसे भी ताल्लुक नहीं, आपको मेरी हालत देख के लग रहा होगा थोड़ा सा, तो हंस रहा है किसी ने, अम्मी भी देखेंगी मेरी, तो प्लीज़ ये नहीं होना चाहिए। तो खैर, रैपर का इंप्रेशन होता है ना, एक कोई म्यूज़िक कर रहा है, रैप कर रहा है, कुछ माशाल्लाह रैपर्स ने बना दिया इस तरह का इंप्रेशन कि शायद कुछ चलता है मामला, लेकिन इस तरह का कुछ नहीं है, ठीक है। आप बहुत अपने होश हवास में रह के भी, सोबर रह के भी सोसाइटी में चेंज ला सकते हैं। खैर, अपने म्यूज़िक पे आता हूँ, मैं मोटिवेशनल चीज़ें लिख रहा था, मैं एंथम्स लिख रहा था, मैं अपने लाइफ की स्टोरी लिख रहा था, और थोड़े बहुत अपने जो उस टाइम के हार्ट ब्रेक्स थे, कुछ दिल विल टूटे थे, उस पर भी लिख रहा था। तो मैं सोचता था कि आई डोंट थिंक आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, लेकिन
द सोसाइटी द पीपल माई फ्रेंड्स और थोड़ी बहुत मेरी फैमिली भी पोखाला टाइप दे मेड मी फील लाइक यू नो आई वॉज डूइंग समथिंग रॉन्ग. लेकिन वही था कि उनके माइंड सेट को लिबरेट करना था. सबसे पहले मैंने अपने माइंड सेट को लिबरेट किया, अपने आप को अपलिफ्ट किया कि नहीं मैं कुछ कर रहा हूँ तो सही कर रहा हूँ एंड आई थिंक आई कैन ब्रिंग अ चेंज टू द सोसाइटी. और म्यूजिक भी मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ, 10-12 साल पहले रैप का वो कॉन्सेप्ट नहीं था जो अब है. अब माशाल्लाह आप सब एंथम्स में देखते हैं, आप टीवी पे देखते हैं, कोक स्टूडियो में देखते हैं, हर जगह देखते हैं. लेकिन जब हमने शुरू किया था तब बड़े बोलते थे कि तेज तेज गल्ला कर रहा है पंजाबी में, कि समझ ही नहीं आ रही कि बड़बड़ करता रहता है उन लाओ जरा मुंडे में थे. तो ये बातें करते थे और एम्बेरसमेंट होती थी ऑनेस्टली, और बड़ा बुरा लगता था कि हम ऐसी क्या गलत चीज़ कर रहे हैं. मेरे अपने दोस्त साथ बैठते थे, साथ उठते थे, वो इस चीज़ को मजाक समझते थे, किसी ने उसको सीरियस नहीं लिया उस तरह से. और कहते हैं ना आप सबके साथ आई एम श्योर स्कूल कॉलेज लाइफ में या स्कूल लाइफ में आई थिंक या नेबरहुड में आपके बुलिंग हुई होगी. आई एम श्योर बुलिंग का तरीका सिर्फ फिजिकल नहीं होता कि आपको कोई अगर मार रहा है, कोई आपको धकेल के वॉशरूम में लॉक कर रहा है, आप पे चीज़ें फेंक रहा है, वो बुलिंग हो. बुलिंग मेंटली भी होती है और आई थिंक वर्स्ट काइंड ऑफ बुलिंग ही ये होती है कि मेंटली आपको इतना टॉर्चर किया जाए फॉर योर पैशन, फॉर समथिंग यू डू आपके शौक के ऊपर, जो कि मुझे म्यूजिक के ऊपर किया जाता था. और फास्ट फॉरवर्ड अब थोड़ा सा फ्लेक्स मारना इस बात पे बनता है कि वही दोस्त जो मजाक करते थे, वही दोस्त जो इस चीज़ पे बुली करते थे, अब वही कहते हैं कि यार हमारी वो बंदी की बर्थडे ज़रा शाउट आउट रिकॉर्ड करके भेज दे. वही अपनी फैमिली के लिए कॉन्सर्ट की टिकट्स मांगते हैं, वही लोगों को बताते हैं कि हाँ भाई हमारा दोस्त था, हमने सिखाया इसको. तो मैं खुश होता हूँ, मैं इस बात पर मैं कोई हेट नहीं देता, कोई बात नहीं. जब तक कर सकते हैं एटलीस्ट ओन कर रहे हैं, पहले ओन भी नहीं करते थे, एटलीस्ट अब ओन करें, इस चीज़ को अप्रिशिएट किया जा रहा है. फैमिली जो कि कहती थी क्या इससे पैसा मिलेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, अब अल्हम्दुलिल्लाह जो फैमिली को चाहिए होता है वो उनके सामने होता है. तो जब आप अपने पैशन के साथ अपने शौक के साथ लॉयल रहेंगे, जितना मर्जी उसका मजाक उड़े, जो मर्जी हो, आपको कोई चीज़ दुनिया की रोक नहीं सकती. पहली बात तो ये, आई एम श्योर यहाँ पे भी जितने लोग हैं सबके बहुत अलग अलग और बहुत एबनॉर्मल से शौक होंगे, जिसको लेके आप लोग काफ़ी डाउटफुल होंगे कि आप जब सोचते भी होंगे दिल में तो आपको लगता होगा कि नहीं यार किसी के सामने बोलूंगा तो हंसेगा, किसी को बताऊंगा मैं अचीव कर सकता हूं तो हंसेगा. बहुत चीज़ें होती हैं, मतलब डेली लाइफ में मेरे बहुत अजीब अजीब शौक थे जो मैं आप मेंशन भी नहीं कर सकता, बहुत ख्वाब देखे थे जो मेंशन नहीं कर सकता, लेकिन आई एम श्योर वो पूरे होंगे. जिस तरह वन ऑफ द ड्रीम्स ये था कि मैं स्टेज पर खड़ा हूँ, आपके भी आई एम श्योर डेली लाइफ में होंगे. गुजरते हुए गाड़ी देखें तो आप सोचते होंगे काश ये गाड़ी मेरे पास होती, और फिर आप सोचते होंगे नहीं आ रही है, कहाँ हमारी हैसियत है, कहाँ हमारी यू नो औकात है, जो भी बात आप सोचते हैं दिमाग में, जिस तरह मैं सोचता हूँ बहुत चीज़ों पर. या आप कोई टीवी पे लड़की देखते होंगे, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हुए देखते होंगे, तो आप कहते होंगे काश यार हमारा भी डीएम कभी एक्सेप्ट करे, जो कि नहीं होता कभी आई एम श्योर एक्सेप्ट. लेकिन फिर भी सोचना, ड्रीम करना, इस चीज़ में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि मेरे बहुत डीएम्स अब रिक्वेस्ट में पड़े हुए हैं जिनके मैं चाहता था कि एक्सेप्ट हो. तो ख्वाब देखने चाहिए, ड्रीम किसी भी सूरत में आपको करना चाहिए, कभी रुकना नहीं चाहिए. यही माइंड सेट को अपने लिबरेट करने का सबसे पहला तरीका है कि बिलीव इन द अनबिलीवेबल. ऐसी चीज़ों को बिलीव करें और ऐसी चीज़ों को मैनिफेस्ट करें, वो चीज़ें हमेशा हो जाएंगी. म्यूज़िक की मैं बात कर रहा था, जहाँ तक बहुत बड़ी जर्नी थी, बहुत लंबी जर्नी थी, बहुत जर्नीज़ हैं अलग अलग, लेकिन म्यूज़िक पे मैं खास बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारी सोसाइटी में इतना लोग उससे अवेयर नहीं होते. अगर कोई एंटरप्रेन्योर है उसकी जर्नी सबको पता होता है, अगर कोई बिजनेसमैन है, जो भी है, सबकी जर्नी पता होता है. म्यूजिशियन की जर्नी मैं आप लोगों को बता रहा था. तो खैर फास्ट फॉरवर्ड 10 ईयर्स लेटर, अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब में जिस तरह के मैं रहता था वहाँ पे रिकॉर्ड करना या म्यूज़िक वीडियो बाहर जाके शूट करना, वो एक बहुत एलियन कॉन्सेप्ट था और वो वहाँ पे बिल्कुल भी आप कर नहीं सकते थे. यू कुड गेट अरेस्टेड फॉर इट. आई केम हेयर टू पाकिस्तान, इधर आया, इधर मेहनत करना शुरू की, इधर काम करना शुरू किया. अल्लाह का शुक्र है कामयाबी मिली, जितनी डिजर्व भी नहीं करते थे या जितनी शायद सोची भी नहीं थी. PSL आप सब देखते होंगे, इस बार PSL का जो एंथम आया था वो लिखा मैंने, क्योंकि आई स्टार्टेड डूइंग वर्क एज अ राइटर. थैंक यू. कराची किंग्स का एंथम आया था, बहुत बुरी तरह से हारी है, लेकिन मैंने, शुक्र है सलमान इकबाल नहीं आए, वरना बल्कि वो इसीलिए नहीं आए, शायद उनको पता था मैं आया हूँ, क्योंकि कराची किंग्स का एंथम भी मैंने लिखा था आसिम अज़हर अली अज़मत दोनों के साथ था, और उसमें मैंने गाया भी था और बहुत बुरी तरह से हार भी हुए थे, लेकिन कोई मसला नहीं है. अचीवमेंट तो थी मेरी कि मैंने उनके लिए काम किया. उससे पहले क्वेटा का किया था माशाल्लाह, वो भी आखिरी नंबर पर आए थे उस साल में PSL पे. तो अगर किसी को किसी की टीम आखिरी नंबर पर लानी है तो मेरे से एंथम करवा लें, मैं अवेलेबल हूँ, ठीक है. और PSL का किया था अभी लिखा था, क्योंकि म्यूज़िक करते करते मैं इतने गाने बना चुका था, इतना म्यूज़िक रिलीज़ कर चुका था कि एट वन पॉइंट आई फेल्ट लाइक यार कुछ और करना चाहिए. देन आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ राइटर. मैंने बहुत गाने लिखे, अभी कुछ एक दो एग्जांपल्स आपको दिए. आसिम के लिए गाने लिखे मैंने, उसके आपने कुछ गाने सुने होंगे. उसके बाद एक गाना हमने किया बहुत बड़ा, तुम आया था शायद आप सबने सुना था, बहुत मीम्स बनाई थी आप सबने और बहुत बुली किया था मुझे. मैं 2 दिन तक इंटरनेट मैंने बंद कर दिया था, आप लोगों ने इतनी की थी हम सब की. लेकिन स्टिल अगेन वो भी एक बहुत बड़ी एग्जांपल है लिबरेटिंग माइंडसेट्स की, क्योंकि वी डिड समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स.
वो म्यूज़िक नहीं बनाया जो सोसाइटी में चल रहा है, वो दुबट्टा उड़ रहा है लड़की का, वो प्यार की बातें हो रही हैं ट्रेन पे जा रहे हैं या गांव में या दरख्तों में खड़े हुए, हमने कुछ कमर्शियल किया। हमने सुपर पावर्स जो उस वक्त म्यूज़िक इंडस्ट्री की थी, मुझे तो एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, आसिम अज़हर, शमून इस्माइल, यंग सिनर्स, ये सारे लोग थे उसमें, और हमने मिल के एक ऐसी चीज़ बनाई जो आई थिंक इंटरनेट पे एक स्ट्रेटेजी थी, वो एक प्लान था, वो एक पीआर प्लान था। हमने उस चीज़ को ऐसा बनाना था कि पूरा पाकिस्तान उसके बारे में बात करे, और रिलीज़ होने से दो हफ्ते पहले ही पूरा पाकिस्तान उसको डिस्कस कर रहा था, ट्विटर पे वो ट्रेंड कर रहा था, हर जगह उसकी बात हो रही थी, और वही एक बेसिकली हमने केस स्टडी बना के आवाम के लिए छोड़ी कि अगर 10 साल बाद 50 साल बाद यू नो इफ पीपल गो थ्रू इट, वो एक केस स्टडी होगी म्यूजिशियंस के लिए। तो दैट इज़ व्हाट इट इज़ कि लिबरेटिंग माइंडसेट आप किस तरह से करते हैं, एक आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ किस तरह से करते हैं, और हमेशा उसमें आपको 99% मेरे हिसाब से तो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि उसमें आपको कामयाबी मिलती है। और जितने भी आप कामयाब तरीन लोग, जितने भी सक्सेसफुल लोग आप एग्जांपल्स निकाल लें, जिसकी भी निकाल लें, आई डोंट थिंक कोई एक कन्वेंशनल तरीके से सोसाइटी के बनाए हुए रस्तों पे चल रहा था, सबने अपना एक रास्ता निकाला, सबने अपना एक पाथ निकाला और उसमें वो कामयाब हुए और आज दुनिया उनकी एग्जांपल्स देती है। तो हमेशा कुछ डिफरेंट करना चाहिए और उस पर कायम रहना चाहिए, पहली बात तो ये है। और आप लोग बोर तो नहीं हो रहे अभी? क्योंकि मुझे आदत है यार कॉन्सर्ट्स वगैरह करने की, जंप करवाने की, उछलो, हाथ ऊपर करो, अब मैं यहाँ कर नहीं सकता, क्राउड बैठा हुआ है, तो थोड़ा सा सोवर हो गया है मेरे लिए सारा सिस्टम। लेकिन फिर खैर, ओवर थिंकिंग की मैं बात कर रहा था कि ओवर थिंकिंग सबको होती है, डाउट सबको होते हैं। जब मैं म्यूज़िक कर रहा था, कामयाबी मिलने के बाद भी, थोड़े प्रोजेक्ट्स होने के बाद भी माइंड में डाउट्स आते थे कि क्या पता कल ये बंद हो जाए काम, मार्केट में कॉम्पिटिशन इतना है, क्या पता सर्वाइव मैं ना कर पाऊँ, और कैसे मेरे काम चलेंगे, मेरे खर्चे कैसे चलेंगे, मैं लोगों को, अपने आसपास के लोगों को कैसे साथ लेके चलूंगा, या फ्यूचर में बीवी बच्चों का, जो हम सोचते हैं बेसिकली बचपन से, बीवी बच्चों का कैसे सिस्टम चलाऊंगा। उसके बाद आई फिगर आउट कि यार कुछ और भी करना चाहिए, कुछ ज़रा बिज़नेस की तरफ आना चाहिए, कुछ एंटरप्रेन्योरशिप के कोई आइडियाज़ ब्रेनस्टॉर्म करने चाहिए। देन अगेन एक मैंने फुल लिबरेटिंग माइंडसेट टाइप की चीज़ शुरू की, आई स्टार्टेड अ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स था, जिसमें मैंने स्पेशली इस चीज़ पे एम्फसाइज किया कि अगर जो लड़कियां आती हैं या औरतें अगर कहीं खेलना चाहती हैं, कहीं कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी करनी चाहती हैं, तो उनके लिए एक प्राइवेट एरिया हो जिसमें कोई मर्द या कोई भी आउटसाइडर की मुदाखलत ना हो। तो दैट्स व्हाट आई डिड, मैंने एक इंडोर स्पोर्ट्स क्लब शुरू किया स्पेशली, यू नो, थैंक यू, स्पेशली फॉर आर वुमेन, कि वो वहाँ पर आके सेफली इंजॉय कर सकें। और वो मेरे टाइम का सबसे खूबसूरत, मेरी जिंदगी का एक सबसे खूबसूरत टाइम था, एक साल का, जब मैं देखता था कि वहाँ पर सब सिक्योर और यू नो पीपल आर पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्टी एक्टिविटीज़, एथलेटिक, मतलब सैटरडे नाइट को या संडे को किसी गलत जगह पे जाके टाइम वेस्ट करने से अच्छा है, कोई सिगरेट पीने से अच्छा है, या ढाबों पे बैठने से अच्छा है, लोग वहाँ आके खेलते थे, और मैं कोशिश करता था डिस्काउंट भी सबको दूँ ताकि यहाँ पर हर वक्त सिस्टम चलता रहे, सबको एक प्लेटफॉर्म हो सबके लिए इन्जॉय करने का। ये किया, इसके बाद फिर सुकून नहीं आया मुझे, अगेन कुछ और भी करना है, इस ये भी बंद हो गया सिस्टम तो फिर क्या ज़िंदगी में करूँगा, क्योंकि हर वक्त कल का सोचते रहना है, कल क्या होना है, परसों क्या होना है, ज़िंदगी कैसे चलेगी। फिर एक बड़ा अजीब सा मेरे माइंड में आइडिया आया कि मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी शुरू करूं। आप लोग वाकिफ़ होंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी से आजकल जो चल रही है। स्टार्ट किया, इतना अच्छा सीन नहीं हुआ, इतनी अच्छी उसमें कामयाबी नहीं मिली, देन अगेन अपने माइंड सेट को उस बाउंड्री से, उस लिमिटेशन से निकाला। माइंड में मेरे बैठे बैठे आइडिया आया कि अगर हमारे सेलिब्रिटीज़ होते हैं, हमारे क्रिकेटर्स होते हैं, सबकी मैनेजमेंट एजेंसीज होती हैं, सबकी रिप्रेजेंटेशंस होती हैं, तो व्हाई नॉट हमारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, हमारे ब्लॉगर्स हैं, हमारे जो भी एक्स वाई जेड यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स आ रहे हैं, उनको भी एक रिप्रेजेंटेशन एजेंसी मिलनी चाहिए जो उनको रिप्रेजेंट करे, उनके बिहाफ पे एक ब्रिज बने बेसिकली बिटवीन द ब्रांड एंड बिटवीन ऑल दिस इन्फ्लुएंसर्स। ठीक है, आई एम श्योर आप सब, बहुत लोग होंगे यहाँ पे जो इन्फ्लुएंसर बनने में भी इंटरेस्टेड होंगे। आप हैं कितने फॉलोअर्स हैं आपके? 12 के? फ्री पीआर आती होगी टिका के। सही है, ज़बरदस्त। तो इंशाल्लाह 12 के से 120 के हों फिर मैं आपको साइन करूँगा अपनी एजेंसी में। ज़बरदस्त। तो अपना भी बेचना पड़ता है ना दुकान फिर इधर। तो सिस्टम ये हुआ कि आई स्टार्टेड दिस एजेंसी कॉल्ड क्लिंच, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी के नाम से मैंने शुरू किया, एंड इट वॉज वन ऑफ द फर्स्ट, वेल वन ऑफ द फर्स्ट भी नहीं कहूँगा, आई थिंक इट वॉज द फर्स्ट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी जो सारे पाकिस्तान के टॉप इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स, ब्लॉगर्स, क्रिकेटर्स, सबको रिप्रेजेंट करती थी, और मार्केट में जितने ब्रांड्स हैं उनका उनसे कनेक्शन करवाती थी, या जो आई एम श्योर यहाँ पे काफ़ी स्टार्टिंग स्टेजेस में, इनिशियल स्टेजेस में जो ब्लॉगर्स इन्फ्लुएंसर होंगे उनको भी हम हेल्प आउट करते थे, उनका हम एज एन इंक्यूबेशन सेंटर जो होता है जिसमें आप एक इंसान को पकड़ के ग्रो करते हो बेस्ड ऑन देयर टैलेंट, हमने वो मामला भी किया, वो काम भी किया। टैलेंटेड इन्फ्लुएंसर्स जिनके थोड़े कम फॉलोअर्स थे या जिनके अकाउंट्स थोड़े ग्रोइंग स्टेजेस पे थे उनको भी ट्रेन किया कि उनको कैसा कंटेंट बनाना चाहिए, उनको कंटेंट ट्रेनिंग दी और इस मार्केट को बेसिकली रेवोल्यूशनलाइज किया।
और आज अल्लाह का शुक्र है इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एजेंसीज इन द मार्केट राइट नाउ, जिसके सारे टॉप इन्फ्लुएंसर्स हैं, सब कुछ हैं। और मज़े की बात यह है कि जितने कंपेटिटर्स हैं उनकी पूरी पूरी 10-12 लोगों की टीम है, लेकिन मैं अकेला काम कर रहा होता हूँ। इसकी दो वजूहत हैं, एक तो मैं अपनी टीम बना के किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकता, जो काम अपने हाथ से होता है ना वो आप किसी को नहीं ट्रस्ट कर सकते, एक बात तो ये। दूसरी ये कि पैसे भी बचाता हूँ, जो सैलरीज देनी होती हैं वो खुद मेरे पास आती हैं, लेकिन खुद करना चाहिए अपना काम। आई थिंक प्रायोरिटी ये रखनी चाहिए कि अपना काम पहले खुद करें, अपने काम पे पहले इतनी अच्छी ग्रिप करें, उसके बाद आप टीम को हायर करें या लोगों को हायर करें। खैर, दैट्स व्हाट आई डिड, एजेंसी शुरू की, एजेंसी को यहाँ तक लाए, उसके बाद फिर भी सुकून नहीं आया मुझे। मैंने कहा अगर म्यूज़िक बंद हो गया, एजेंसी बंद हो गई, सब कुछ बंद हो गया तो क्या करना है। फिर मैंने अपना एक ब्रांड शुरू किया, सनग्लासेस, ब्रेसलेट्स का, रिंग्स का, शौक है किसी को चेन रिंग सनग्लासेस वगैरह का, तो बस फ्री में मैं कुछ पैकेजेस लाया हूँ, मेरे से ले लीजिएगा। तो वो शुरू किया फिर, और उसको भी मैंने एक फैशन स्टेटमेंट बनाई मार्केट की कि लोगों के लिए एक्सेसिबल हो, जो आप गूगल पे या इंटरनेट पे या यूट्यूब पे एक फैशनेबल चीज़ें देख रहे होते हैं वो भी आपके एक्सेस में सबके हों, और वो भी एक बहुत अच्छा रहा। और ये बात करने का मकसद ये नहीं है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इसका सिर्फ मकसद ये कि अगर मेरे जैसा इंसान, जो कि जिससे आई एम श्योर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड लोग बैठे हुए होंगे, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप सब भी कर सकते हैं। अपने अंदर सिर्फ वो मोटिवेशन लाएँ, अपने आप को वो जॉब माइंड सेट पर लिमिटेड ना करें, ये आपसे रिक्वेस्ट है। माइंड सेट को लिबरेट करें, अपने बिजनेसेस पे आएँ। एंड सबसे ज़्यादा जो हमारे मुल्क में इस वक्त मसला है, जो मुझे लगता है, इट्स के एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, लोग रिस्क नहीं ले रहे। आपको बिजनेस के लिए कोई 10 लाख 20 लाख 30 लाख बजट नहीं चाहिए, मैं इसकी एग्जांपल हूँ। कसम से आप छोटी चीज़ से घर से शुरू कर सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम पे लाइव सेशंस में आके इसी तरह लोगों को 200-300-400 लोग जितने बैठे होते थे उनको लेक्चर्स देता था कि प्लीज़ अपना कोई बिजनेस शुरू करो, प्लीज़ अपना कोई बिजनेस शुरू करो। और वही सुन के जब नेक्स्ट टाइम मैं 1-2 महीने बाद लाइव गया, तो कोई 5 से 6 लड़कियाँ, उन्होंने मुझे मैसेज किया और उन्होंने मुझे बताया कि हमने आपके कहने पे अपने घर से एक बिज़नेस शुरू किया छोटा सा, और हमने कोई फ्रेंडशिप ब्रेसलेट्स शुरू किए हैं, पेंसिल शुरू किए हैं, स्केच बुक्स भेजना शुरू किए हैं, अपने स्केचेस जो हम घर में बना के इंस्टाग्राम पे लगाते थे, कैलीग्राफी जो करते थे वो हमने सेल करना शुरू किया, और माशाल्लाह उनका बिज़नेस आज बहुत अच्छा चल रहा है। थैंक यू। तो कुछ भी दिमाग में आइडिया आ रहा है, कोई भी दिमाग में चीज़ आ रही है, बहुत छोटे स्केल से भी स्टार्ट करनी है, अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाह करके करें, बाकी ऊपर वाले के मामले आते हैं कि वो कैसे उसको वहाँ तक पहुँचाते हैं। इस चीज़ से डरना नहीं है। कभी कभी मुझे थोड़ी हैरत भी होती है, और ऑनेस्टली आई फील डिसअपॉइंटेड, आई एम सॉरी अगर किसी का वो माइंडसेट है, तो कि हमारी सोसाइटी में वो कल्चर अभी तक क्यों चल रहा है कि दादा थे, फिर अब्बू को बिज़नेस दे दिया, फिर अब्बू ने मुझे बिज़नेस दे दिया, अब आगे नस्लों तक मैं वही बिज़नेस देता रहूँगा। इससे ग्रोथ कैसे होगी, इस माइंडसेट से नए बिजनेसेस या नए अपॉर्चुनिटीज़ किस तरह से बनेंगी। सबसे पहले तो इस माइंडसेट से निकलें, दूसरा प्लीज़ इस माइंडसेट से निकलें। आपको एक फ्रेंडली एडवाइस है कि मेरे अम्मी ने बताया था तो यही बात होगी, या अब्बू ने बताया था तो यही बात होगी। बिल्कुल उनकी बातें सही होती हैं, लेकिन आई थिंक आप में भी इतनी अकल है, और हमारा दीन भी हमें ये चीज़ पर प्रमोट करता है कि सोचो समझो दुनिया को देखो जाके। तो अपनी भी कोई ओपिनियन रखें, अपने भी कोई रास्ते निकालें, लोगों के ओपिनियन पे अपना पूरा ज़िंदगी को बेस करने वाला मामला मुझे तो ऑनेस्टली बहुत गलत लगता है, सबसे पहले तो ये। और दूसरा ये सारी चीज़ों के बाद थैंक यू सबसे पहले तो आप सबके टाइम का, आप लोगों ने इतनी गौर से बातें सुनी, और मैं जिस तरह बता रहा था कि मैं भी 3 साल पहले ये टेड एक्स आज़ादी के एक टेड टॉक पे गया था, और मैं वहाँ से बहुत चीज़ें लेके उठा था, मैं वहाँ से काफ़ी आई थिंक लाइफ के एक्सपीरियंसेस लेके उठा था जो आज तक मेरी लाइफ में अप्लाई होते हैं। तो आप लोग भी जितने लोग बोल रहे हैं, कोई भी बात बोल रहे हैं, उनको सुने, गौर से उस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। आई एम श्योर 10 साल बाद आपको याद आ रहा होगा कि यहाँ पर कोई ऐसी बात हुई थी, और कोई भी अपना बिज़नेस शुरू करता है तो मुझे बताइएगा, मैं फ्री प्रमोशन इंशाल्लाह करवा दूँगा मार्केट में, जिससे भी करवानी है, लेकिन करें, अपना कुछ करें। यही मेन आई थिंक लिबरेटिंग माइंडसेट का सबसे बड़ा ये सीन है कि अपने जो एक कन्वेंशनल हमारे सालों से रास्ते चलते हुए आ रहे हैं, उन रस्तों से ज़रा निकलें और अपना कुछ करें, अपनी ग्रोथ करें। जिस तरह एग्जाम्पल मैंने अपनी ज़िंदगी की दी, म्यूज़िक की एक जर्नी थी, एंटरप्रेन्योरशिप की एक जर्नी थी, सारी चीज़ों की थी, उस तरह एक और छोटी सी जर्नी है मेरी। आई थिंक फीमेल वुमेन एम्पावरमेंट पे भी अगर थोड़ी बहुत बात करें, क्योंकि माइंडसेट लिबरेट सबसे ज़्यादा आई थिंक इसी टॉपिक को लेके हमारे होने चाहिए। मेरी छोटी बहन है, आई थिंक सम ऑफ यू माइट नो हर, मीरब के नाम से, एक्टिंग भी करती है, इन्फ्लुएंसर टाइप भी है। वो इन्फ्लुएंसर उसको अच्छा नहीं लगता था, उसको कहते हैं, क्योंकि वो कहती है मैं एक्ट्रेस हूँ। तो खैर कुछ साल पहले व्हेन शी वाज आई थिंक 16 और 17, शी केम टू मी एंड शी सेड के रामिस भाई मैंने ये एक म्यूज़िक वीडियो करनी है, और किसी भाई के लिए स्पेशली लिविंग इन पाकिस्तान ये बहुत एक कंसर्निंग बात होती है, शायद आपकी बहन आके आपको कह रही है कि वो म्यूज़िक वीडियो करनी है, ये करना। लेकिन मैंने उसको पॉजिटिवली लिया, इस बारे में बताता हूँ क्यों मैंने लिया। आई ट्राइड टू सपोर्ट हर, आई ट्राइड टू नो कि वो एग्जैक्टली क्या करना चाह रही है। मैंने अपनी बाउंड्रीज, अपनी लिमिटेशंस एज अ ब्रदर जो मैं देखता हूँ, या मेरी फैमिली की जो एक एथिक्स की लाइन है,
वो डिफाइन की एंड आई एम ग्लैड शी अंडरस्टूड. माशाल्लाह उसके बाद से लेके अभी तक सब कामों में उसके साथ उसकी फैमिली खड़ी हुई होती है, मेरी अम्मी खड़ी हुई होती है, मेरे अबू खड़े हुए होते हैं, हम खड़े हुए होते हैं. हमें पता है कि किस लिमिट में लेके चीज़ों को चलना है. उसको खुद इतनी अकल है किस लिमिट में चीज़ों को लेके चलना है. अगेन, कोई काम गलत नहीं होता, काम में लोग गलत होते हैं. सबसे पहली बात तो ये, आई थिंक हमें भी बुरा लगता है जब किसी 10-20% कुछ गलत लोगों की वजह से वर्ल्ड वाइड मुस्लिम्स को बैश किया जाता है या पाकिस्तानियों को बैश किया जाता है. तो इट्स अनफेयर टू बैश एनी प्रोफेशन बेस्ड ऑन सम यू नो अ ग्रुप ऑफ पीपल जो उसका एक नेगेटिव परसेप्शन दे रहे हैं. एक्टिंग, इंडस्ट्री, म्यूजिक, ये उस तरह की चीज़ें नहीं है जिस तरह आप सोचते हैं. कुछ लोग हैं जो उसको गलत प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन ये कम्प्लीटली उस तरह की नहीं है. सो ट्राई टू बी अ लिटिल, थोड़ा सा ओपन माइंडेड हो, थोड़ा चीज़ों को पॉजिटिवली देखना शुरू करें, क्योंकि हर जगह पे गलत लोग हैं. माशाल्लाह से इस वक्त जो मुल्क के चल रहे हैं हालात, हर फील्ड में, हर प्रोफेशन में गलत लोग हैं. तो हम अनफेयर है अगर हम एक चीज़ पे वो एक धब्बा लगा दें कि नहीं ये गलत चीज़ है या ये गलत जगह है या औरतों को नहीं करना चाहिए. बिल्कुल कर सकती हैं, एक तरीके में, एक तौर तरीके की हदूद में रहते हुए बिल्कुल वो कर सकती हैं. तो सपोर्ट करें अगर आपके घर में कोई इस तरह से आपको आके कह रहा है, एक्सट्रीम होने की बजाय या अगेंस्ट होने की बजाय. एक छोटी सी एग्जांपल ये भी थी मेरी लाइफ में. और अपने घर की औरतों को या अपने आसपास की औरतों को एम्पावर करें. आई थिंक हमें किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए अगर आपकी बहन, आपकी बेटी या आपकी बीवी स्पेशली आपसे ज़्यादा कमा रही है. तो सबसे पहली तो ये बात है, आपको खुश होना चाहिए, आपको प्राउड होना चाहिए, आपको उस चीज़ को ओन करना चाहिए. मैंने तो अपने आसपास जितनी मेरी अम्मी, मेरी बहन, सबको मैंने पूरी कोशिश की एम्पावर करने की. मैंने अपनी अम्मी को ब्रांड शुरू करके दे दिया, अपनी बहन को ब्रांड शुरू करके दे दिया, अपनी जितनी दोस्त हैं उनको एम्पावर कर दिया कि उनको किसी पर डिपेंडेंट ना होना पड़े, जो कि हमारी सोसाइटी का अनफॉर्चुनेटली एक है, एक मतलब एक मामला है. उसके अलावा रैप अप करते हुए कोई सवाल अगर किसी का, मैं क्योंकि चाहता हूँ कि मैं थोड़ा इंटरेक्टिव हूँ, मुझे आदत है बहुत बात करने की सबसे, तो अगर किसी का कोई सवाल है किसी भी टॉपिक पर लेके तो आप कर सकते हैं. इससे पहले हम रैप अप करें इसको. हाँ जी भाई. अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल है. बस एक्सपेक्टिंग किस तरह का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि जिम्मेदारियाँ होती हैं, पढ़ाई करनी होती है. मज़े की बात ये सबको शायद शुरू से लग रहा हूँ मैंने पढ़ाई का कोई जिक्र नहीं किया, तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मास्टर्स इन मैस कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज़. वो भी मैंने किया अपनी ज़िंदगी में, और वो फॉर द सेक ऑफ माई फैमिली किया, कि मेरी फैमिली को ये बात सुननी ना पड़े कि लड़के को कुछ आता नहीं था तो म्यूज़िक में लग गया, या ये छोटे छोटे बिजनेसेस में लग गया, इन चीज़ों में लग गया, दुकानदार बन गया, ये हो गया, वो हो गया. तो मैंने सबसे पहले उन चीज़ों को साथ रखते हुए मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट की. पहले मैं पायलट बनना चाहता था, फ्लाइंग फोबिया हो गया, पायलट छोड़ दिया. फिर मैं लॉयर बनना चाहता था, फिर मैंने लॉयर के फट्टे देखे हुए जो डॉक्टर्स के साथ हुए थे, लॉयर वाला मामला भी छोड़ दिया. मैंने कहा मैं इतनी कुट नहीं खा सकता, सीधी सी बात है. उसके बाद फिर फाइनली मैंने फिगर आउट किया कि मीडिया एक मेरी फील्ड है, मुझे ये करनी चाहिए. मैंने लाहौर से, पंजाब यूनिवर्सिटी से मैस कम्युनिकेशन किया, बहुत अच्छे GPA के साथ किया, और साथ साथ अपनी चीज़ों को भी चलाया, अपने शौक भी पूरे किए. बैलेंस देखिए ब्रो, लाइफ आप पूछ रहे थे ना मेरे से, लाइफ का जो मेन फॉर्मूला है ना वो है बैलेंस. अगर आपको चीज़ों में बैलेंस रखना आ गया ना, आपको अपने रिलेशनशिप्स में बैलेंस रखना आ गया, आपको अपने शौक, अपने पैशन में, अपने प्रोफेशन में, इन सब में बैलेंस रखना आ गया, तो आई डोंट थिंक आप दुनिया की कोई भी चीज़ नहीं कर सकते. मुझे बहुत लोगों ने कहा, बड़े एग्जाम्पल देते ना, दो कश्ती का सवार बन रहा है, ये भी करेगा, वो भी करेगा, ये करेगा, कैसे एक चीज़ कैसे होगी. मैंने वो चीज़ हमेशा एक चैलेंज लेके अपने दिमाग में रखी कि मैं 10 कश्तियों का भी सवार बनूँ, मैं इंशाल्लाह पूरा पायरेट ऑफ द कैरिबियन करके निकलूंगा उसका. तो ये आपके अंदर होना चाहिए कि आप लिमिटेड ना रखें. अल्लाह ताला ने इतनी हमारे अंदर सलाइतें डाली हैं, वी हैव नो आइडिया हमारे अंदर क्या क्या है, हमें सिर्फ डिस्कवर करना है. आई थिंक जो मेरे अंदर टैलेंट है आपके अंदर भी होगा, आपको सिर्फ उसको निकालना है. और गुड लक टू यू, अपनी लाइफ को बैलेंस करके आगे चलें. एंड आई एम श्योर नेक्स्ट टाइम जब टेड टॉक कभी हो रही होगी, आपसे मुलाकात होगी, तो आप कोई रेंज रोवर में आए हुए होंगे इधर एंटरप्रेन्योर बन के इंशाल्लाह. अच्छा भाई, होस्ट आ गया मुझे पकड़ने के लिए, जल्दी से सवाल कर लें. कॉल कोई है, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एंटरप्रेन्योरशिप, म्यूजिक, एनीथिंग? That's it? सब लगता है सब सीख गए आज, कल बिजनेस से शुरू होने वाले हैं माशाल्लाह. तो थैंक यू गाइज फॉर हैविंग मी. लाहौर से आके खास तौर पे कराची में हमेशा जब भी आता हूँ कुछ ज़बरदस्त सा ही अलग सा ही कुछ होता है. काफ़ी बहुत बैड सीन्स भी हुए हैं, मेमरीज आने लग गई हैं सामने. तो थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड इट्स सच एन ऑनर टू बी हेयर. और इंशाल्लाह बहुत जिंदगी भर फ्लेक्स करना है, बच्चों को बताना है कि टेड टॉक किया आपके भाई ने. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. प्लीज स्टे ऑन स्टेज.
I would like to call curator of TEDx Azadi Street 3.0, Sana Dastagi, to present a token of appreciation to Ramis.